क्वालिटी देखिए, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर रेंच है, क्वालिटी देखिए एक बार। व्यू देखिए एक बार कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जंबो साइज का रुई की ने, देखिए एक बार गेटअप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए सब मछली इधर जाएगा, सब मतलब शॉटिंग करके रखा हुआ है इधर सब मछली। ये वाला मछली का ग्रोथ एक बार देखिए, ये वाला मछली का, ठीक है सब मछली ब्रीडिंग के लिए है। हाँ ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए मछली का क्वालिटी देखिए एक बार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गए और एक नया वीडियो लेकर आप सभी का सामने। तो टॉपिक है फिश फार्मिंग का ऊपर, कुछ मछली शॉटिंग करूंगा, इसी जो टैंक है इस टैंक से कुछ मछली शॉटिंग होगा, मछली जो मछली शॉटिंग होगा, तो रुईकिन फिश है इधर, रेंचू है इधर, ठीक है ये सब मछली इधर से लेके उधर, मतलब जो नेट है उसमें डाल के रखूंगा और मतलब कुछ शॉटिंग होगा, मतलब मेल फीमेल अलग होगा और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए कुछ अलग होगा, ठीक है दोस्तों। और देखते रहिए आज का वीडियो, और जो फ्रेंड चैनल में नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाए, आप लोगों का ये चैनल है। तो नया नया टॉपिक का ऊपर आएगा, नया नया इन्फॉर्मेशन टाइप का वीडियो आएगा इसी चैनल में, तो ठीक है आज का वीडियो देखते रहिए आप लोग। हाँ ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए मछली का क्वालिटी देखिए एक बार, जिसको जो लगेगा मछली, मतलब जो अभी सेलिंग के लिए मछली है वो मछली सेलिंग के, मतलब आप लोग कॉल कर सकते हैं, मतलब 7 PM to 9 PM कॉलिंग टाइम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा कॉलिंग नंबर, जो जो मछली अभी सेलिंग के लिए है आप लोग कॉल कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। और सुबह में मत कॉल करिए, बिजी रहते हैं हम लोग, ठीक है। और मछली का अभी क्वालिटी देखिए वीकिंग का, देखिए इतना अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए पूंछ देखिए, ठीक है सब पकड़ के उधर मतलब लेके जाऊंगा, मतलब वो जो हपा जो देख रहे हैं आप लोग नेट उधर डालूंगा जाके। बाद ब्रीडिंग के लिए मछली सिलेक्ट हो गया, ये देखिए रेंचू देखिए थोड़ा जली आ रहा है, देखिए मतलब शर्ट का ऊपर थोड़ा थोड़ा जली आ रहा है, और जब बड़ा होगा उसका मतलब आग ढक जाएगा, क्वालिटी देखिए एक बार। ये वाला मछली का ग्रोथ एक बार देखिए, ये वाला मछली का, ठीक है सब मछली ब्रीडिंग के लिए है, कितना अच्छा है पूंछ देखिए एक बार, सब मछली ब्रीडिंग के लिए है। पानी ठीक ठाक ही है दोस्तों, गंदा नहीं है, मतलब जो मतलब मैं उतरने के बाद पूरा मैल हो गया, मतलब पानी ठीक ठाक ही है। इतना क्वालिटी देखिए एक बार, इतना अच्छा क्वालिटी है मछली का, ये देखिए
ये सभी मछली ये फार्म में ब्रीडिंग होते हैं, मतलब लोगों का, मतलब हम लोगों का फार्म में ये सभी मछली ब्रीडिंग होते हैं। और देखते रहिए वीडियो, ये देखिए और एक देखिए, एक हाथ में नहीं आ रहा है, ये लगभग 6 इंच तो हो जाएगा ही, 6 इंच का ज़्यादा हो जाएगा, एक हाथ में नहीं आ रहा है, कितना बड़ा साइज का है वही किन देखिए। ये वाला देखिए कितना अच्छा है, और ये देखिए मतलब जंबो साइज का हुई किन है देखिए, मतलब ये जो मछली मैं तो वीडियो छोड़ा है इंग्लिश में, तो मछली को मैं किस किया तो अभी इतना पकड़ के रखा है, ये अभी छोड़ूंगा, मतलब जो जो हापा है उसमें जाके छोड़ूंगा, ठीक है, देखते रहिए आप लोग। क्वालिटी देखिए, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर रेंच है, क्वालिटी देखिए एक बार। और भी मछली है, देखते रहिए आप लोग। तो दोस्तों और भी पकड़ के, मतलब ये बोल में रखा है, उसका बाद उधर जो हापा है उसमें छोड़ूंगा अभी, ठीक है। इधर जो कलेक्शन है देखिए एक बार, जो एक बार देखिए, ब्लैक कलर का रेंचो देखिए कलेक्शन, ये देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया है, कितना अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है देखिए, ये देखिए रुईकिन देखिए, कूच देखिए एक बार, उसका बाद ये वाला रुईकिन का कूच देखिए, सब इधर सब ब्रीडिंग का मछली है, ठीक है। और ये मछली देखिए लीचू गोल्ड, इसको पिंग पोंग गोल्डफिश भी बोलते हैं, बुलाते हैं, ये देखिए इतना अच्छा है, बढ़िया कलर, बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया मछली इधर मिल जाएगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, खरीदने के लिए टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिए तो इधर कुछ काम खत्म हो गया, तो अभी कुछ मछली, मतलब जो लोडेड वाला मछली वो थोड़ा शॉर्टिंग होगा, मतलब वो अभी तो ठंडे का मौसम आ गए ब्रीडिंग करने के लिए, तो वो वाला मछली शॉर्टिंग होगा, तो अलग अलग करके मतलब छोड़ूंगा और एक टैंक में, ठीक है। और आप लोग देखते रहिए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए एंड तक। तो अभी हम लोग जो बड़ा साइज का जो मछली है वो मछली पकड़ के, ये जो बोल है ये बोल का अंदर में डालूँगा, ठीक है, देखिए ए साइज का मछली अंदर में डाल के रखूँगा, अब रेंचू है इधर, रेंचू ये सब रुईकिन देखिए,
गेटअप देखिए रुईकिन का, मछली का गेटअप एक बार देखिए इतना अच्छा आए, पूछ देखिए एक बार। तो दोस्तों इधर जो जो मछली है आप लोग देख रहे हैं अभी, तो इधर मछली शॉर्टिंग करके वो जो टैंक है, ये जो टैंक है अभी पानी चेंज हो रहा है, इसी टैंक में जाएगा सब मछली, ठीक है। तो देखिए इधर सब मतलब शॉर्टिंग करके रखा हुआ है इधर सब मछली, मतलब जो जो मछली का गेटअप अच्छा है और बॉडी पैटर्न अच्छा है वो मछली, वो वाला जो टैंक आप लोग देख रहे हैं वो टैंक में जाएगा सब मछली, ठीक है। देखिए बॉडी पैटर्न देखिए कितना अच्छा है, देखिए अभी जराऊ छोड़ने के लिए। जो जो बड़ा साइज का जो जो मछली है रेंचो, मतलब जो बड़ा साइज का जो अभी ये बोल में जो जो मछली है, ये मछली इधर गिरेगा, ठीक है। देखिए मछली का जेली एक बार देखिए, शर का ऊपर जो जेली है देखिए, और जो मछली जब बड़ा हो जाएगा और भी बड़ा होगा, और इसका जो आँख भी पूरा ढक जाएगा जेली में, जेली देखिए एक बार, पीला कलर का है, थोड़ा पीला कलर का लग रहा है, देखिए रेंचो है। देखिए दोस्तों पानी का अंदर में कितना अच्छे से घूम रहा है, मतलब ये पानी अभी सफाई हुआ है, सफाई होने के बाद अभी पानी मतलब साइबन हो गया, हो जाने के बाद कितना अच्छा से घूम रहा है। एक बार देखिए व्यू देखिए एक बार कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज का रुईकिन रेंचो, कितना बड़ा बड़ा साइज का है ये, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का मछली है। देखिए देखिए ये ब्रीडिंग करने के लिए फार्म में रखा हुआ है, ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए है, सेलिंग के लिए नहीं है ये वाला मछली। ये वाला मछली देखिए गेटअप एक बार कितना अच्छा से, मतलब अच्छा खाना देने से यही गेटअप आ जाएगा। और ये वाला मछली देखिए, सब मछली का एक बार गेटअप देखिए, ये देखिए रेंचो देखिए, और हेड भी देखिए पूरा लाल है। और फिर से देखिए हेड देखिए कितना अच्छा है। तो अभी दोस्तों ये जो बोल देख रहे हैं आप लोग इसी टैंक में है, कैलिको रेंचो है इसी टैंक में,
ये अभी ये टैंक में जाएगा सब मछली। देखिए मछली का गेटअप कैलिको रेंचू का, एक बार गेटअप देखिए इतना अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए सब मछली इधर जाएगा। ये देखिए ये काला मतलब ब्लैक कलर का रेंचू भी है इधर, ये देखिए सब मछली इधर जाएगा। अभी छोड़ दिया है सब मछली, ये देखिए ये देख रहे हैं आप लोग बिच्चू गोल्ड, ये वाला रे वाला दोनों ही मछली इसी टैंक में जाएगा। पानी पूरा साफ है, एक बार देखिए ऊपर में जो भस रहा है, जो धूप पड़ने के बाद जो क्या बोलते हैं मैल होते हैं वो मतलब मछली के लिए अच्छा भी होते हैं, मतलब एल्गी होते हैं, मतलब मछली के लिए जो एल्गी जो बोलते हैं एल्गी बहुत ही अच्छा खाना है मछली के लिए। ठीक है तो ये जो टैंक इसी टैंक में मैं छोड़ दूँगा ये दोनों मछली। चलिए आओ।